घर में काम कर रही उस माँ को क्या पता था कि आज दिन उसके लिए किसी सदमे से कम नहीं होगा और मालिक की एक छोटी सी लापरवाही उसके 1.5 वर्षीय मासूम की ज़िंदगी छीन लेगी। लेकिन रेवाड़ी में आज सुबह ऐसा ही कुछ घटित हुआ। उत्तराखंड का रहने वाला भगवान दास रेवाड़ी की अजय नगर कॉलोनी में किराए के मकान में रहता है तथा राजमिस्त्री का काम भी करता है। उसकी पत्नी भी साथ में मजदूरी करती है। सुबह उसका 1.5 वर्षीय बेटा सागर घर में खेल रहा था, अचानक उसने कूलर को छू लिया। जब माँ उसे छुड़ाने लगी तो वह दूर जाकर गिरी और सागर की करंट लगने के कारण मौके पर ही मौत हो गई। सूचना के बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने सबको अपने कब्जे में ले लिया तथा पोस्टमार्टम के लिए सवान अस्पताल भिजवा दिया गया। पहले मेरे मंझले लड़के को लग गया था करंट, वो तो बच गया था। आज मेरा छोटा सागर, और जब उसकी मेरी बाइक उसको पकड़ने गई तो उसने जी उसको भी करंट लग गया। तो बाद में उनको दोनों को टाइम दिया। इनको मैंने पहले ही बोला था कई बार कि ठीक ना करवाने कारण आज मेरे लड़के की मौत हो गई। मामला जी सागर नाम का बेटे के बारे में रुपया डेट प्राप्त हुआ है और करीबन डेढ़ साल का बच्चा है जिसकी करंट लगने से मौत हो गई। क्या कारण पाया गया? कारण अभी कंप्लेंट दी उन्होंने, भाई कूलर के साथ हाथ लगा था उसका बिजली कारण, मकान मालिक कूलर रखा था और उसमें मकान मालिक को पहले उन्होंने टोका बताया था जो आज खेलता हुआ बच्चा बाहर चला गया, उसको करंट लग गया। किन धाराओं के तहत मामला दर्ज? अभी मुकदमा दर्ज नहीं किया, अभी छानबीन चल रही है। खबर प्रादेशिक में आज बस इतना ही, कल फिर होगी मुलाकात प्रदेश की तमाम खबरों के साथ। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।